वेलकम टू ईटाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, हॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो विच गिव्स यू द डेज लोडाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। किस प्रोजेक्ट के लिए सलमान खान कम करेंगे अपना वजन? क्या कैटरीना की वजह से फिल्म भारत में किया गया चेंज? आलिया भट्ट के बारे में क्या कहा सोनाक्षी सिन्हा ने? क्या भारत के लिए कैटरीना कैफ को करना पड़ रहा है स्ट्रगल? डायरेक्टर अली अब्बास जफर कैसे दूर करेंगे कैटरीना की मुश्किल? जहां सलमान खान और अली अब्बास जफर ने भारत की शूटिंग शुरू कर दी है, वहीं प्रियंका चोपड़ा के इस फिल्म को छोड़ने के बाद जल्द ही इस फिल्म की नई फीमेल लीड कैटरीना कैफ भी भारत की टीम को करेंगी ज्वाइन। पर सुनने में आया है कि इस फिल्म के लिए कैटरीना कैफ को काफी मेहनत करनी पड़ रही है और इसकी वजह है उनका कैरेक्टर। दरअसल कैटरीना इस फिल्म में प्ले कर रही हैं एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और रिपोर्टेडली इस कैरेक्टर के लिए कैटरीना को अपनी हिंदी लैंग्वेज पर करनी है थोड़ी और मेहनत। सुनने में तो ये भी आया है कि जहां कैटरीना इसके लिए रेडी हैं, वहीं डायरेक्टर अली अब्बास जफर कैटरीना को ध्यान में रखते हुए फिल्म के डायलॉग्स पर भी फिर से काम करवा रहे हैं, जिससे कि कैटरीना इजीली डिलीवर कर पाए अपने हिंदी डायलॉग्स। वेल, कैटरीना इस वक्त है वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस और इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कैटरीना ने ना सिर्फ अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल्स पर काम किया है, बल्कि अपनी हिंदी और एक्सेंट पर भी बहुत मेहनत की है। पर भारत के लिए कैटरीना अपने एक्सेंट, हिंदी और डायलॉग डिलीवरी को कितना इम्प्रूव करती हैं, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। फॉर ज्योति सिंह, जूम मुंबई। Competition has always been there. It's amongst the actors, it's amongst the actresses, and a certain kind of healthy competition is always good. Sonakshi Sinha ne B-Town actresses se competition par kiya bada khulasa. Sonakshi ne ki Alia Bhatt ki tareef. That's always been there, no? There's so many movies being made each year, different genres, different, Just too many movies happening, so the competition has always been there. It's amongst the actors, it's amongst the actresses, and a certain kind of healthy competition is always good. Like for me, for example, I love Alia Bhatt as an actor. Even though she's so young, she's done such amazing work, and she's such a fine talent that it's inspiring. And if somebody can do that, you inspire you in any way, that's great. Yeah. फिल्म हैप्पी फिर भाग जाएगी के ट्रेलर को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद फिल्म की स्टार सोनाक्षी सिन्हा और डायना पेंटी आजकल फिल्म को प्रमोट करने में लगी हैं और इन दोनों ने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए किया ये रेवलेशन। नाउ माय माइंड फ्रेम इज वेरी हैप्पी बिकॉज़ द रिस्पांस हैज बीन फैंटास्टिक टू द ट्रेलर, टू द सॉन्ग्स एंड यू नो जस्ट ओवरऑल लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड द फिल्म व्हिच इज थैंक्स टू दीस गाइस हु मेड श्योर दैट हैपेंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हिच इज हैप्पी भाग जाएगी एंड that is just carried forward with this film as well. So I'm just really happy right now. I'm really looking forward to it mostly because I just feel like this is a bigger, funnier, happier, better film. And the trailer of course was amazing. When I saw it, I was laughing and laughing and laughing. So I'm sure it's going to do really well. Well, Sonakshi or Dina, we hope aap dono ki ye film box office par audience ko khoob pasand aaye. संदेश अगाटे, जूम मुंबई। मुंबई में फिल्म भारत का फर्स्ट स्केड्यूल रैप अप करने के बाद सुपरस्टार सलमान खान थर्सडे नाइट को माल्टा के लिए हो गए हैं रवाना। वेल, सलमान लेफ्ट फॉर द लोकेशन अलोंग विद हिज मदर सलमा खान, सिस्टर अलवीरा एंड प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री। जुलाई 20th को रिलीज हुई न्यू कमर्स जानवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क बॉक्स ऑफिस पर ओवर 71 करोड़ की कलेक्शन के साथ बन गई है वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म्स ऑफ 2018। और इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म मेकर करण जौहर ने होस्ट की एक सक्सेस बैश, जहां नजर आए करण के साथ ही डायरेक्टर शशांक खेतान और जानवी की सिस्टर खुशी कपूर। इस सक्सेस बैश पर जानवी ने अपनी सेकंड फिल्म तख्त को लेकर अपनी एक्साइटमेंट भी शेयर की। इट्स अ बिग डील फॉर मी एंड आई एम सो इटर्नली ग्रेटफुल एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड
that you know, Karan has allowed me to be a part of this journey. I'm so excited. Actress Vidya Balan और filmmaker Vijay Krishna Acharya ने Thursday को attend की Malta India Film Festival 2018 की press conference. यहाँ Vidya ने अपनी first Telugu film NTR को shoot करने के experience भी share किए. NTR legendary actor politician NT Rama Rao की biopic है, जिसमें Vidya NTR की wife का role play कर रही हैं. मैं NTR जी की बीवी का किरदार निभा रही हूँ, बसवता रकम का. पर अभी तक मेरे कुछ 5 दिन की शूटिंग हुई है, पर बहुत अच्छा रहा है. बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं. सुबह 9 बजे शार्प काम शुरू हो जाता है, 6 बजे पैकअप हो जाता है. ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अनोखा है. एक्ट्रेस तापसी पन्नू पिछले 4 साल से डेनिश बैडमिंटन प्लेयर एंड ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मैथियस बो को कर रही हैं डेट, और थर्सडे को इन दोनों को शटरबग ने किया स्पॉट पोस्ट दिया लंच डेट. टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी ने भी एक दूसरे के साथ स्पेंड किया कुछ टाइम. बी टाउन के लव बर्ड्स के साथ ही कजिन्स इनाया नौमी खेमू और तैमूर अली खान को भी शटरबग ने किया कैप्चर एज दे वर सीन गेटिंग रेडी फॉर एन इवनिंग स्ट्रोल. अक्षय कुमार और मोनी रॉय कोलकाता में अपनी फिल्म गोल्ड को प्रमोट करते नजर आए. वहीं जॉन इब्राहिम पहुंचे दिल्ली टू प्रमोट हिज फिल्म सत्यमेव जयते. ये दोनों ही फिल्में अगस्त 15 को होने वाली हैं रिलीज. एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा लंदन वेकेशन से लौट आई हैं, और हाल ही में जब वो अपनी फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया के सेट पर पहुंची, तो उनके को स्टार वरुण धवन ने अनुष्का को वेलकम करने के साथ ही किया टीज. अनुष्का कैसे लग रहे हैं सुई धागा के सेट पे वापस आ? बीनू कैसे लग रहा है वापस आके? Who's going out of character अनुष्का? मैं आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहा हूं. एक्टर रणवीर सिंह जो फिल्म 83 में प्ले कर रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर कपिल देव का कैरेक्टर, रिसेंटली क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर से मिले, और इस मीटिंग में उन्होंने सचिन से लिए कुछ खास टिप्स. सोनाक्षी सिन्हा आजकल बिजी हैं अपनी फिल्म हैप्पी फिर भाग जाएगी के प्रमोशंस में, और हाल ही में जब सोनाक्षी की इस फिल्म का एक सॉन्ग रेडियो स्टेशन पर प्ले किया गया, तो सोनाक्षी ने कुछ इस तरह शेयर की अपनी एक्साइटमेंट. मुन्ना माइकल एक्टर्स निधि अग्रवाल और टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर रिसेंटली शेयर किए अपने डांस वीडियोस, जिसमें निधि पॉपुलर डांस नंबर जिंगाट पर डांस कर रही हैं, वहीं टाइगर ने चूज किया जस्टिन बीबर के पॉपुलर सॉन्ग वेयर आर यू नाउ को. धड़क की सक्सेस को एंजॉय कर रहे एक्टर ईशान खट्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की एक वर्कआउट वीडियो. साथ ही एक्टर साकिब सलीम ने भी बताया कि कैसी चल रही है उनकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग. जबकि एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और प्रीति जिंटा ने भी अपने हेवी वर्कआउट सेशन के ग्लिम्पसेस इंस्टाग्राम पर शेयर किए, और अपने फॉलोअर्स को किया मोटिवेट टू हिट द जिम एंड इंक्लूड एक्सरसाइज इन देयर एवरीडे रूटीन. वेल, इन इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टर रणवीर सिंह की एक और वीडियो कर रही है ट्रेंड. ये वीडियो इस वीक हुए एक स्टोर लॉन्च इवेंट के दौरान शूट की गई है, जिसमें रणवीर हैवी क्राउड में अपनी फीमेल फैंस के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाने के साथ ही उन्हें भीड़ से प्रोटेक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Orange is the New Black star Ruby Rose को finalize कर दिया गया है to essay the role of Gotham Vigilante Batwoman in a potential solo series and a crossover event in December. इस
सीरीज की स्क्रिप्ट राइटर कैरोलाइन ड्राइज ने सोशल मीडिया पर न्यूज अनाउंस करते हुए कहा दैट दे हैव स्ट्रक गोल्ड कास्टिंग रूबी फॉर द पार्ट एंड पोस्ट द बिग अनाउंसमेंट। जब रूबी कल पहुंची ऑन द टुनाइट शो वो अपनी एक्साइटमेंट शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाई। बीइंग ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग रूबी ने इमोशनल होते हुए बताया How the role is a complete game changer for her. What makes Batwoman unique is the fact that she's openly gay and Ruby too identifies her sexual orientation to be gender fluid. Iconic franchise James Bond ke makers ne reveal kiya ki ab waqt aa gaya hai for a non-white actor to play the 007 agent spot. Over the years, Tom Hiddleston, Tom Hardy, Michael Fassbender jaise kai naam samne aa chuke hain as potential candidates for the role. But the one actor who still stands to be the front runner for the role is Idris Elba. Speculations about Idris Elba's involvement in the franchise started way back in 2014 when a mail hack revealed Sony Studios co-chairperson commenting that Idris could be the next James Bond. Ever since then, Idris is role ke liye ban gaye hai sabhi fans ke favorite choice. However, Idris on the other hand, time and again in sabhi speculations ko dismiss karte aaye hain, saying that he has never been considered for the role. He even went ahead and said that a woman should take up Bond's character. But with the recent reports claiming that the makers are indeed leaning towards considering Idris for the role, Idris may still stand a solid chance. If this comes true, Idris will be the first person of color in the history to be playing the iconic role. Daniel Craig, who's been portraying Bond's role since quite some time, is all set to retire with the coming installment of the film. Bureau Report, Zoom, Mumbai. हमारे आज के फैशन फ्राइडे सेगमेंट में वील टेक अ क्लोज लुक एट वन ऑफ द हॉटेस्ट डेनिम ट्रेंड्स ऑफ दिस सीजन, द फ्लेड डेनिम्स। Be it the airport or dinner dates, is retro trend ne kiya hai major comeback and is being flaunted by the B-town ladies every now and then. One star who tops the list of celebrities who have a flair for these flares has to be Deepika Padukone. Flared denims Deepika ke go-to trend hai when it comes to her airport looks. Flared denims ke comfort aur ease of wearing ki wajah se ye airports ke liye ban jata hai perfect outfit. दीपिका को इसके अलावा भी कई आउटिंग्स और मूवी स्क्रीनिंग्स पर फ्लेयर जीन्स में ड्रेस्ड देखा गया है। While at the Cannes Riviera, दीपिका लगी स्मोकिंग हॉट इन हर दिस लुक, जहां उन्होंने फ्लेयर डेनिम्स को पेयर किया था विद अ व्हाइट टैंक टॉप एंड शेड्स। मलाइका अरोरा इज अनदर बी टाउन डीवा जो इस ट्रेंड को करती है रेगुलरली फॉलो। शी वाज सीन एक्सपेरिमेंटिंग विद द ट्रेंड इन वन ऑफ हर एयरपोर्ट लुक्स जब मलाइका ने अपने फ्लेयर डेनिम्स को दे दिए थे साइड स्लिट्स। मलाइका अपने एक आउटिंग के दौरान फ्लैट डेनिम्स को अपने ब्लैक टॉप के साथ पेयर करती दिखी थी विद अ लॉन्ग लूज शर्ट एज द लेयर कंप्लीटिंग हर रिलैक्स्ड लुक। इसके अलावा मलाइका एक इवेंट पर दिखी थी वेयरिंग दीज कूल डेनिम बॉटम्स विद एम्ब्रॉयडर्ड फ्लेयर्स जिसे मलाइका ने पेयर किया था विद अ व्हाइट टॉप एंड अ फ्लोरल ब्लेजर। Malaika rocked the trend looking uber stylish a few weeks back when she styled her high-waisted wide-leg jeans featuring long slits with a sleeveless tank top. Bollywood's top trendsetter Kareena too is an avid fan of this trend. Be Ready wedding ke promotional event par Kareena turned up in this wacky denim on denim look, opting for flared bottoms. She was also seen going casual with the flares on one of her outings, जहां Kareena ने patchy flared jeans को pair किया था with a slogan t-shirt. Kareena too, like her bestie Malaika, was recently seen spotting the side slits on her flared jeans. Young star in the making Janvi को भी देखा गया था spotting this trend when she took the classic route by styling her patterned wide leg pair with a ribbed white tee, nude wedges and red lips. So, ये था हमारा आज का फैशन सेगमेंट। If you wish to follow similar trends, you can shop for similar styles on Myntra. Coming up on the show, खतरों के खिलाड़ी के सेट पर शुरू हुई कैट फाइट। पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 12 के लिए अपना वजन घटाएंगे शो के मोस्ट वांटेड होस्ट सलमान खान। जी हाँ, जल्द ही स्मॉल स्क्रीन पर दिखेगा रियलिटी शो बिग बॉस 12 का जलवा, जहां दबंग सलमान खान भी नजर आएंगे अपने स्टाइलिश अवतार में। हर बार की तरह इस बार भी सलमान दिखाएंगे बिग बॉस के घर में अपना दम।
लेकिन यहाँ सलमान के सामने है एक प्रॉब्लम और वो है उनका वेट। दरअसल कुछ समय से अपनी फिल्मों के चलते सलमान ने किया है वेट पुट ऑन और अब बिग बॉस में अपेरेंटली सलमान एक नए अवतार में दिखना चाहते हैं, जिसके लिए वो करेंगे वेट लॉस। सोर्सेज की माने तो इसके लिए सलमान ने कमर कस ली है और वो अपने वेट को कंट्रोल करने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि सलमान इसके लिए पर्सनल ट्रेनर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं माल्टा, जहां उनकी फिल्म भारत की शूटिंग स्टार्ट होनी है, ताकि वो अपनी शूटिंग के साथ साथ रख सके अपने फिटनेस का पूरा ख्याल। माल्टा से अपनी फिल्म भारत की शूटिंग का फर्स्ट शेड्यूल खत्म करने के बाद सलमान स्टार्ट करेंगे अपने शो बिग बॉस 12 की शूटिंग, जिसमें सलमान नजर आएंगे अपने स्टाइलिश अंदाज में। आपको बता दें, बिग बॉस सीजन 12 सितंबर में ऑन एयर होगा। रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग अर्जेंटीना में चल रही है। सभी कंटेस्टेंट्स अर्जेंटीना में खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, शो की कंटेस्टेंट्स शमिता शेट्टी और रिद्धिमा पंडित के बीच हाल ही में हुई सेट्स पर लड़ाई। अपेरेंटली जब रिद्धिमा और शमिता सेट पर शूट के लिए पहुंची, तब दोनों ने एक दूसरे को देखा और नोटिस किया कि दोनों का हेयर स्टाइल सेम है। कहा जा रहा है कि बस इसी पर दोनों की कैट फाइट शुरू हो गई और दोनों चिल्लाने लगी। फिर दूसरे कंटेस्टेंट ने बीच बचाव करते हुए दोनों को शांत किया और लड़ाई रुकवाई। Among the few good men we have who always says what he exactly thinks, with the exceptionally talented Mr. Kamal Haasan, but it's difficult in today's world, isn't it? It's always been difficult, even in yesterday's world or 1,000 years before. Being truthful could get you either crucified or glorified. We don't know. There's a lot of love that comes to you when you do good things, but the kind of backlash that comes in when you have taken a stand regarding something. Do you at times, has there been a moment where you feel a little intimidated and you want to take a pause? Not to say it at all, it would amount to disservice, yeah, to yourself and to the social fabric in general. And you entered a field of politics. You know, I'm sure you're not worried about ruffling feathers, because that's going to happen the way when someone's trying to make a change. That's right? The way to clean feathers. I agree. But on the same, was, you know, from your family and close friends, were they worried in any way when you wanted to take a step like this, or were they like, you know, oh, yes, it's you? My elder brother, who's no more with me, said that, "I know where you're heading, but the day you go into politics, I will have to leave you, stop being your partner." And I think he kept his promise and I kept my promise. And today with the internet, I think opinions keep flowing in, and they often say that, you know, it's an anti-national comment and stuff like that. How do you ponder over it, or you're just now like, I will not deal with this negativity? Negativity is always there, but I'm not an avid troll reader, because it doesn't give me any other feeling except diffidence or anger. And I don't care, like they don't care. Why would you troll someone if you really do care? You'll worry about it. You won't call a handicapped man by his handicap and make fun of it if you really do care. Said that, you know, when we go to schools and colleges and we have to fill forms and there are sections for caste and religion and stuff like that, he said probably we should start by not writing anything in it. I didn't. I had a problem. I refused to even put it in the birth certificate. They said, they insist. The very fact that your system insists that you must state your religion, yeah, is that you're being coerced into a religion from, it's a congenital pressure on you. You're inside, you're born, and they're deciding your religion, even before your sex is determined. But determining the sex is considered to be illegal because but you can decide on the religion of the child. What right do you have? The director Kamal Haasan, is he hard on the actor Kamal Haasan? Yeah, actors deserve to be kept an eye on. Vigilance is necessary. No, I only think of as a director, because the director takes care of
those aspects, including acting, technicality, lighting. Will it be difficult to now sort of pull you out of politics and make you do a film? Yes, it already is being difficult, and I've dedicated myself to this, and I think this is my life's calling now. It might not sort of, like, the fans have to wait for quite some time. Well, they don't have to wait. They can see the old films. I read this entire statement that you gave, and I think it was a much required stand with, you know, actor Dilip being reinstated in Amma. And this is happening also in, you know, in the film industry when actors have come up and said, you know, we've had for roles, we've been had actors who've come up to us and you know, propositioned to us, and we haven't done it. We've had directors. And it's now a discussion. How important it is to take a stand when it comes to an issue like this for proper change in our country, especially if you're icons people look up to you. I hope they don't misconstrue that I'm talking as a father of two actresses. If I had two sons, I'll still speak this way because I have a mother, I have a sister, and I respect them. The first person I woke up to respect was my mother. So where's the problem here? I really don't understand. What troubles you about respecting a woman or giving her space in your life? You can't live without her, damn it. So, what's your problem?